कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। और सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन, और सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी है दोपहर का टाइम और आज है संडे, तो रक्षाबंधन तो कल है, पर आज से इसलिए बोल दिया क्योंकि कल मैं इसी वीडियो को अपलोड कर दूंगी, क्योंकि कल फिर कैसे होगी, तो इसीलिए मैं आज ही इस वीडियो को शूट कर ले रही हूँ और कल अपलोड कर दूंगी। तो कल रक्षाबंधन है तो सही टाइम पे पहुँच जाएगी। तो अभी है दोपहर का टाइम और लंच वगैरह सब बन गया है, पर अभी किसी ने किया नहीं है, सब अपने अपने काम पे लगे हैं। और देवर किसी फ्रेंड के यहाँ गया है और ये ऊपर हैं, और हम लोगों का चल रहा था मेहंदी सेशन, तो अभी तो लग गई है, सिर्फ मेरे ही लगी है। और फिर तब तक 2 बज गया तो हम लोगों ने कहा चलो लंच कर लेते हैं सब लोग, फिर उसके बाद देवरानी अपने भी लगाएगी और दूसरे हाथ पे मैं थोड़ी सी ही लगवाऊंगी, देखूंगी पीछे ही सिर्फ। तो मुझे ये बैंगल्स वाली मेहंदी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये वाली लगवाई है। तो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इधर हम लोग मेहंदी लगा रहे थे, इधर ये सो रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा जल्दी जल्दी से लगा लें, और ये उठ गए, पूरे घर पे कूड़ा भी फैला दिया, फिर उसके बाद झाड़ू भी लगाने लगे, सारा इनका काम चल रहा है। और भी दिखाती हूँ, किचन में परेशान कर रहे हैं, उसको रोटी भी नहीं बनाने दे रहा है, तो दिखाती हूँ आप लोगों को चल के मैं। तो ये देखो, ये यहाँ पर आके सारे बर्तन वर्तन फेंकते हैं सब, ये देखो तो जग वग ये सब रखा, ये सब फेंक रहे थे अभी, ये देखो अभी ये कुकर फेंकने की तैयारी में है, इनका यही सब काम चलता रहता है दिन भर। ए इधर चलो बाहर, ये देखो पेपर वेपर सब फेंके जा रहे हैं, पहले मैं इनको बाहर ले जाऊं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मैं भी लंच कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। और यहाँ इनकी चॉकलेट खाई जा रही है, अभी थोड़ी देर पहले ही खाया था, फिर से खाने लगे, क्योंकि चॉकलेट के बहाने से इनको किचन के बाहर लेकर के हम आए हैं कि चलो चॉकलेट दे, तो चॉकलेट इनको दे ही आई है। और इस हाथ की मैंने थोड़ी सी छुटा भी दी, क्योंकि झड़ रही थी तो मैंने छुटा दी। और इस हाथ पे मैंने थोड़ी सी लगवाई है, कुछ ज़्यादा नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी सी लगी है। तो उसके बाद देवरानी ने अपने लगाया, फिर थोड़ी सी बची थी तो मैंने कहा थोड़ी सी लगवा लेती हूँ। और अभी हूँ छत पे, बारिश होने वाली है, बारिश भी होने वाली है, और आज है संडे तो मुझे लाइव भी करनी रहती है, तो सोच रही थी करूँ कि ना करूँ, आज पूरा दिन तो इसी में निकल गया, तो मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ। तो अभी 5:30 तो हो ही गया है और 6 बजने वाला है, तो थोड़ी देर बाद बस मैं जा रही हूँ लाइव के लिए, तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि ये भी यहाँ परेशान कर रखा है, ऊपर छत पर रहता है तो देखना पड़ता है इसको। तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर पर, और अभी लाइव भी करनी है तो जा रही हूँ बस तैयारी करने लाइव की। और यहाँ पे ये भी टहल रहे हैं, मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है, इसलिए से नाइट हो चुकी है। और क्योंकि मैं लाइव करने लगी थी, फिर लाइव 7 बजे तक चली मेरी, और उसके बाद बस तुरंत लग गई डिनर प्रिपरेशन में, तो डिनर बनाते बनाते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि काफ़ी कुछ आज डिनर में बनाया था, क्योंकि कल है रक्षाबंधन तो कल तो सबका फास्ट रहने वाला है, तो हम लोगों ने आज ही रक्षाबंधन बना लिया खा पी करके, तो डिनर विनर सबका हो गया है। अब हम लोग जा रहे थे ऊपर, तो मैंने सोचा थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और ये भी देखो सो चुके हैं, तो इनका सोना तो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि दिन भर ही सबको दौड़ाते हैं और शाम होते ही सो जाते हैं, 7-8 बजते ही सो जाते हैं, फिर इनकी फुर्सत हो जाती है सुबह उठते सीधे। तो चलिए डिनर विनर तो हो गया है, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से सुबह, क्योंकि डिनर में मैं कुछ भी दिखा नहीं पाई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती कैमरा इधर उधर सेट करने में मुझे, तो किचन का ज़्यादा नहीं दिखा पाती हूँ मैं इसी। तो हो गया, अब डिनर के बाद कुछ मीठा तो बनता है, और कल फास्ट है, वैसे भी कुछ भी नहीं खा पाएंगे हम लोग, तो मैं खाने जा रही हूँ घेवर,
जो कि रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई होती है, तो हम लोगों ने मंगा ली थी कि पहले ही खा लेते हैं, फास्ट में तो खा नहीं पाएंगे क्योंकि ये मैदे का होता है। तो आप लोगों को भी खाना है तो आ जाओ, और काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये, इस घर पे सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए हम लोग ने एक दो दिन पहले ही मंगा ली थी। तो बस ये खाने जा रहे हैं हम लोग, तो चलिए फिर मिलते हैं सुबह, खाने के बाद सो जाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आज थक गया, बहुत काम हो गया था, और उसके बाद थोड़ा सा वीडियो का भी देखना है, एडिटिंग वगैरह। तो मिलती हूँ सुबह आप लोगों से, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी है सुबह का टाइम और अभी बज रहा है 6:30 तो आज थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ा क्योंकि नन से बात हुई थी कल, तो बोली थी जल्दी आ जाएंगे हम, तो हम लोगों ने कहा जल्दी जल्दी से हम लोग उठ करके कम से कम नहा लेते हैं और सारे जो भी मॉर्निंग के काम होते हैं वो सब ख़त्म कर लेते हैं, तो इसलिए आज जल्दी उठना पड़ा सबको। तो बस हम लोग जा रहे थे नहाने, तो मैंने सोचा उससे पहले आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ क्योंकि व्लॉग भी तो कंटिन्यू करना है। तो चलिए फिर अभी नहा लेते, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो अभी नहाना और थोड़ा सा पोछा झाड़ू वगैरह, नीचे का काम भी फिनिश करना है, तो वो सब कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये देखो सुबह सुबह सबको जगाया इन्होंने अपने टहलने के लिए, क्योंकि सुबह होते ही इनको छज्जे पे टहलना बहुत ज़्यादा पसंद है, खड़े कर दो बस वहीं से झांकते रहते हैं ये, तो वही कर रहे हैं। और मौसम काफ़ी ज़्यादा बारिश जैसा हो रखा है, सुबह सुबह का टाइम है तो देखो शायद आज बारिश होगी, और रक्षाबंधन का दिन अब बारिश ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये देखो टंगे हुए छज्जे पे आराम से, सुबह का इनका काम यही रहता है, सुबह ये यहीं पर मिलेंगे सबके ऊपर चढ़ चढ़ के, इन्होंने सबको जगा दिया। सर पे ऐसे हटा दे रहे हैं हम लोग, रख रहे हैं, और ये तो कितना उछल कूद मचा रहे हैं। तो सबकी राखी के बाद अब मेरी भी बंधने लगी है क्योंकि भाभियों को भी बांधी जाती है, तो बस वही मेरी राखी भी बंध रही है ना। तो हो गया, और उसके बाद राखी वाखी भी सबकी बंध गई, और फिर इतना ज़्यादा काम हो गया था क्योंकि बच्चे भी आ जाते हैं, तो फिर वो उधर बुलाता है, वो उधर परेशान करता है, वो उधर चिल्लवाते हैं, तो तब से अब फ्री हो पाई हूँ। और अभी बज रहा है 3:00, और जस्ट अभी हम लोगों ने भी फास्ट था सबका, तो फास्ट का बना करके खाया है, और अब हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हम लोग बाहर नहीं निकले बिल्कुल, तो आज कुछ ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ ज़्यादा भीड़ भी ना और थोड़ा सा घूम भी लें, क्योंकि उसके बाद सब चले जाएंगे, देवर भी चला जाएगा आज ही और नंद भी चली जाएगी। तो बस मैं जा रही थी थोड़ा सा अपना फेस ठीक करने क्योंकि पसीने से इतना ज़्यादा भीग गई हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आप लोग को थोड़ी देर बाद, पहले मैं रेडी हो जाती हूँ जल्दी से क्योंकि टाइम भी हो रहा है। जा करके मैं फ्री हुई हूँ, और अभी बज रहा है 9:30 बजने वाला है, समथिंग ऐसे ही कुछ है। और आज पूरा दिन सुबह से बस बिजी थी, बात भी करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और व्लॉग भी ज़्यादा कंटिन्यू तो करती रही बीच बीच में, पर बात बिल्कुल भी नहीं कर पाई मैं आप लोगों से। तो जब सब लोग चले गए तब टाइम मिला, और देवरानी और देवर भी निकल गए थे, वो लोग भी मैंने बोला था कल जाओ, पर फिर बोली कि सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा सुबह निकलने के लिए, तो वो लोग भी निकल गए और नंद भी चली गई थी। उसके बाद तो बस अभी फ्री हुई हूँ, और फ्री क्या, और अभी भी साबूदाने की खिचड़ी बना रही हूँ हस्बैंड के लिए क्योंकि इनका भी फास्ट था, मेरा भी था, सबका फास्ट था घर पे, वैसे देवर का ही नहीं था, बाकी सबका फास्ट था। तो बस इन्हीं देवर के लिए खाना बना था, और नंद की लड़की जो थी छोटी थी उसके लिए, बस दो ही लोगों का नहीं था, तो बस उन लोगों के लिए ही खाना बना था, बाकी तो सबका फास्ट था। तो दोपहर में सबने थोड़ा थोड़ा फास्ट वाला खा लिया था, फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे घूमने के लिए, तो फिर आए हम लोग 6:00 आ गए थे घर पे। तो इतना ज़्यादा सब घूमे, इतना ज़्यादा टहले कि सब थक गए थे, जितना जितने खाया था उसका सबका पूरा डाइजेस्ट हो गया था अच्छे से।
तो बस सबको भूख लग रही थी तो सब तो चले गए, वैसे जल्दी जल्दी में थे तो जिसने खाना खाया खाया, नहीं तो किसी ने पैक किया चले गए सब लोग। और उसके बाद हस्बैंड को ही भूख लगी, भूख तो हमें भी लगी थी थोड़ी बहुत सी, पर हमें तो कुछ खाने का मन नहीं था, तो इनके लिए मैंने थोड़ी सी खिचड़ी बना दी है साबूदाने की। और अब देखो काफ़ी लेट हो गया, पता नहीं आज मेरा वीडियो पहुँचेगा या नहीं, शायद कल ही पहुँचेगा, और मैं डालना भी अपलोड करना शाम को ही चाहती हूँ, तो कल शाम तक पहुँचेगा शायद 7-8 बजे समथिंग। तो देखो कब पहुँचता है ये तो नहीं पता, आज जहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और इतना ज़्यादा थक गए हैं कि ब्लॉग ही ख़त्म कर ले रहे हैं किसी तरह से। मैंने कहा ब्लॉग को एंड कर दूँ सबसे पहले, तो बस यही कर रही हूँ मैं। और बिल्कुल आज टाइम ही नहीं मिला बात बात करने का कुछ भी, इतना सारा काम हो जाता है जब घर पे, वैसे भी एक तो फेस्टिवल वगैरह होते हैं और फिर कोई आ जाता है तो काम तो हो ही जाता है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड, और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे। और इसके बाद वाला जो वीडियो आने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर वॉच कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है। तो यहीं वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।